इससे अवस आंग में जो बला आती है उधर उन उन लोगों को पेनडा हर सफर तिरची इधर से इनो यहाँ आदमिया के आना जाना कम रहने से यहाँ केसांग के सब दूसरे तरफ भेज देते खुद बली वो जो जिन्नात उसके आंग में है उसको बोल को उसके दूसरे तरफ भेज देते वो सब भी उधर जाके फैसला लेके आके दोबारा और इधर यहाँ फैसला वो चीजों का ये संदल लेके आने वाले मुरा से चालीस आदमी सुबह के फजर के साथ जैसा रमजान में सहरी करते हैं वैसा सहरी करके चालीस आदमी लेके दरबार दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व मैं आपका मेजबान मोहम्मद गुलाम हुसैन दोस्तों आप देख रहे हैं तगरा नेटवर्क दोस्तों आज आया हूं अल्लाह के एक वली हज़रत सैयद गरीब शाह वली रहमतल्ला के आस्थाना मुबारक पर यह आस्ताना शरीफ हिंदुस्तान का एक रियासत कर्नाटक कर्नाटक में चित्रदुर्ग से पैंतीस किलोमीटर की दूरी पर सरकार का आस्ताना शरीफ है चढ़ से सरकार का आसता शिफ्ट में आने का लोकेशन है इनशाला तो, तो सरकार को आने का लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो एंड तक बने रहिए और सरकार के बारगा शिफ्ट में जो भी खादिम मिलेंगे उनसे मुलाकात करवाऊंगा और जो भी डिटेल्स मिलेंगे आपको शेयर करने की जरूर कोशिश करूंगा तो चलिए दोस्तों सरकार के बारगा शिफ्ट के अंदर चलकर बारगा शिफ्ट की वीडियो करेंगे असल वरम्ला बबरकते सबसे सबसे बाला वो आला हमारा नबी अपने माला का प्यारा हमारा नबी अपने ये दरगाह ये होकर तीन सौ साठ पर पाँच साल हुआ यहाँ हिंदुआं भी आती हैं मुसलमान भी आती हैं सब खोम वाले भी आती हैं न्याजा मुरादा वो सब भी अच्छा होता और साल को एक पचास साठ बकरे लेकर ले कंदोरियाँ सब हिंद वो ये सब भी हैं। करतीकम गुजरगा की जो तारीफ है, है कि तारीख सुल्तान के दौर की हम यहाँ ट्रस्ट के खादिम हैं गुजरगान के ट्रस्ट के खादिम हैं हमें मेरा नाम गरीब साहब बोल के वही वली का नाम है मैं यहाँ का खादिम हूँ यहाँ की तारीफ जो है टिपू सुल्तान के दौर से है उससे आगे भी है, है बा हज़रत सैदना बाबा फ़खरुद्दीन के दौर की भी है और इनका नाम आपको हज़रत सैदना गरीब शाह वली रहमत जलाल जलाली हैं ये मुर्शद इनको बीवी बच्चे नहीं इनका ये आंग में तवाफा को जो वली का नाम पुकारते हैं वो जो नाम फिक्स होगा रिप्शा वली इससे में जो बला आती है उधर उन, उन लोगों को से इधर आदमिया के आना जाना कम रहने से यहाँ केसांग के सब दूसरे तरफ भेज देते खुद वली वो जो जिन्नात उसके आंग में है उसको बोल को उसके दूसरे तरफ भेज देते वो सब भी उधर जाके फैसला लेके आके दोबारा हो इधर यहाँ फैसला वो चीजों का यहाँ बहुत कशो करामत है अलिया के पास ये जो कश यहाँ जो हर इंसान औलाद की मा, मुराद मांगता है बाद में खैर वरकत की दुआ मुराद मांगता है सबको दुआ होती है बाद में यहाँ मदरसा चल रहा था मद्रसा चंदी से टिक गया अब रमज़ान के बाद चालू होने वाला है एक मस्जिद पूरा चंदा करके मस्जिद उस बन दें यहाँ गुजरगंज के दरबार में अब शादी महल भी बनने वाला है अच्छो कशो करामत है गुजरगान की हज़रत सैजना गरीब शाह रहमत लाई शाह जलाल इनू जलाल ही हैं इनके पास जो भी आएगा मुराद खाली नहीं जाएगा झोली भर के जाएगा ऐसी करामत है इनकी आगे अब आने वाले चौबीस तारीख को बाईस तारीख को नूरानी संदल है और तेईस तारीख को आम संदल है ये संदल ले के आने वाले न्याज और मुराद से चालीस आदमी सुबह के फजर के साथ जैसा रमज़ान में सहरी करते हैं वैसा सहरी करके चालीस आदमी संदल लेके के दरबार पहुँचते हैं Uh, साढ़े सात आठ बजे संदल चढ़ेगा जब ही रोज़ा इधर ही रोज़ा इफ्तार करते हैं उसके बाद चालीस पचास चदरा आते हैं टाउन से पूरे एक चालीस पचास चदरा आते हैं बहुत ज़ोर का संदल होता है धूमधाम से कशो करामत बहुत अच्छी है दुआ करो इनशाला तुम भी दुआ करो तुम कहाँ कहाँ जाते हो गुजरगिन दीन के हमारे वली के पास हमारे वली की तारीफ़ उधर करो इनशाला वालेकुम तो असल वरम्ह वो दोस्तों खादिम से मिलकर कैसा लगा जरूर कमेंट कर, कर बताएं अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए सरकार के की बार्गाशीफ में उर्से पाक है तेईस को सरकार का संदल शरीफ रहेगा चौबीस को सरकार का उर्से पाक रहेगा इनशाला तबारक तला जरूर तशीफ लाइए और सरकार के बार्गाशीफ में आकर फैजान हासिल कीजिए और तो चलिए दोस्तों सरकारों के गुस्ताखों से दूर रहो ई ईमान सुनीत के साथ रहो असल वरहमतल वबरकते